आप लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं जी, और दो दिन बाद, दो तीन दिन बाद छठ है, छठ के लिए भी आप आएंगे। जो यमुना आप देख रहे हैं, जिस तरह का झाग हो रहा है, जिस तरह का पोल्यूशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये स्नान करने लायक, पूजा करने लायक है? सर पूजा करने लायक तो नहीं है, आज हमारा छठ पूजा आज से हमको यहाँ शुरू हो गया है। नियम कानून आज से हमारा अलग, बासन में खाना बनेगा, हर चीज बनेगा, आज से हमको नियम हो जाए, यहाँ एक हफ्ता हमको जरूरी लगेगा। इतना सर गंदा पानी है यहाँ पर, अंदर में घुसने का मन नहीं कर रहा, बदबू इतना पानी दे रहा है। हैं सर, तो क्या करूँ, मजबूरी में माई रनवे की छठी माई के नाम लेके डुबकी लगा लिया। अब माई छठी है, अब हम लोग का ये बीमारी से बचाएगा या बीमारी में डाल देगा। लेकिन इस पानी में नहाने से तो शरीर में खुजली हो जाती, खुजली होता है। आप चाहिए जगह माई छठी है, अब उनका हम तो धर्म करवे न करेंगे, हम उनका तो धर्म छोड़ेंगे नहीं, हमको तो धर्म उसको निभाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको मजबूरी था, हम नहाया यहाँ पे। लेकिन हम लोग का कुछ थोड़ा बहुत सफाई नहीं मिलता है, सरकार मदद नहीं करता है, नहीं और कुछ तो है। हम ग्रेटर नोएडा बिसरख से आई हूँ यहाँ नहाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार कहती थी प्रदूषण को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए, क्या यमुना वाकई में साफ हुई है अभी ऐसी मैली? कहाँ है सफाई, बिल्कुल गंदा है अभी, सफाई कहाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है सफाई। लेकिन सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत काम किया, कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल भी यहाँ पे आया है तो पिछले साल भी एगो लड़की मरा था, कोई उठा के थोड़ा बगल भी नहीं करवा दिया। उसी में सब हम लेडीज लोग मिलकर करे हैं, इसी में पूजा किया है। लेकिन हम अपना धर्म पूजा तो तोड़ेंगे नहीं, हम अपना तो कैसु करके उनका नाम लेके आराधना तो हम लेंगे उनसे। अच्छा, इतना इतनी गंदगी होने के बाद भी जब देख रहे हैं कि ये हर तरह का जहरीला झाग है, आपके बच्चे, आप लोग जब इसमें नहाएंगे तो कितनी परेशानी होगी आप? बहुत ज्यादा परेशानी है, आप करने का मन तो नहीं है, देख रही हूँ आँख से हर चीज गंदगी, करने का दिल नहीं हो रहा। लेकिन माई छठी के नाम लेके हर चीज गंदगी में हम तैयार हो गए हैं करने के लिए। अब सरकार लोग हमको ये, अगर शरीर में इससे परेशानी होगी तो अब क्या करेंगे? जब हमारे बोली सरकार लोग नहीं सुन रहे हैं तो हमको तो भाई अपना तो नियम कानून हर चीज से हम कर रहे हैं, तो अपना करवे करेंगे। मीना आंटी ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे यमुना पे आए हैं नहाने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन पानी का जो है बहुत गंदा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, दलदली है, बहुत गंदा है, महकता है पानी, नहाने का मन नहीं करता। पर्व है तो इसीलिए नहा लिए, कैसे करके कपड़ा भी नहीं अति किए, लेके जा रहे घर पर अति करेंगे क्या, करके से नहाना है, परत है करने वाला, कैसे तो नहा लेंगे, बहुत आप बीमार हो चाहे जे हो करना पड़ता है, बहुत गंदगी है यहाँ पर, पानी बहुत जहरीला, पानी बहुत महकता है, गंदगी है, आपके बच्चे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएगा। क्या मजबूरी है फिर, क्यों आप इस पानी में क्या कर, उनका नाम ले कैसे कष्ट लेना पड़ता है नाम को, कैसे तो हम लेकर उसको व्रत करेंगे, कैसे उसमें नहाना है हमको, उसमें कष्ट लेना है उसको, तब क्या करो, आप तो साफ सुथरे नहीं कराते तो क्या करूं सरकार से, क्या क्या चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए ताकि साफ होना चाहिए, सब गंदगी हटाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, व्रत होता है सब करते हैं, नहाते हैं गंदगी में, इसीलिए ना, और क्या साफ सुथरा करना चाहिए, बढ़िया आदमी लोग आएगा नहानेगा सुनाएगा पूजा पाठ करेंगे तो गंदगी होता है बहुत, नहीं ना अच्छा होता है। ये तो झाग और बढ़ रहा है, हाँ। तो आप जो छठ के लिए जो अर्घ देने आएंगे तब भी आप आएंगे इस गंदे पानी में? हाँ, तो क्या करेंगे, तो जब नहीं साफ करेंगे सरकार तो क्या कर सकेंगे, तो वैसे तो उनका उठाना चाहते ना, उठा लेंगे कैसे, क्या करूँ तब पानी में रखे, हाँ पानी में रखे। तब क्या करूँ, तब नहीं साफ कराएंगे, नहीं साफ सुथरा होगा तो मजबूरी तो करने पड़ता है ना सरकार। ये जहरीला झाग देख रही है, आपको पता है कितना जहरीला है, कितना गंदा है, बहुत गंदा है, पानी फेन आ रहा है, पूरा गंदगी है, तब क्या करूँ, तब बहुत मजबूरी पर आते हैं करने के लिए, साफ सुथरा नहीं कराते हैं सरकार जी, हम क्या को पता। दो दिन बाद छठ का पर्व है और ऐसे में आप पूजा करने आए तो क्या करेंगे, सरकार करे नहीं रहे कोशिश, तो हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी में आने आए हैं, हम लोग को त्योहार है, कैसे इस गंदगी में हाथ उठाने आएंगे बताओ, इसमें नहा रहे हैं बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेगा सरकार, कुछ कर सकता है बताओ, इसमें साफ सफाई हर चीज करवा तब तो हम लोग आएंगे यहाँ पर हाथ उठाने के लिए। इतना गंदा पानी में नहा के जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, हम लोग गंगा स्नान करते हैं साले साल, हाँ कहाँ हाथ उठाने आएंगे, एक गंदा में आएंगे हाथ उठाने के लिए, सफाई तो होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए तभी तो आएगा कोई यहाँ पे। मैम ये बताइए कि इसमें गंदा पानी है, जहरीला पानी है, ये इस तरह का साफ जो जहरीला है समेत, ऐसे में आपने स्नान किया, पूजा करने,
कितनी परेशानी है ऐसे में? इसमें मरा बरा कीड़ा है, बिच्छा है, बदबू करता है, इन्फेक्शन हो जाएगा आदमी के, बीमार पड़ जाएगा, क्या करेगा आदमी बताओ। इतना गंदगी है जो आदमी के लात धरता है तो अंदर धसता है। तो क्या कारण है फिर आप क्या कारण है? इसको साफ सुथरा करवाइए, छठ पर्व होगा,